गुड मॉर्निंग। आज का अपना बिंदु है विश्व मानव अधिवास के संदर्भ में। विश्व मानव अधिवास देखिए, मुख्यतः आपकी जो सेकंड बुक भारत वाली है उसके अंतर्गत भी अधिवासों का है, इधर भी है, तो कुल मिलाकर के लगभग 4 नंबर के प्रश्न आपके विश्व अधिवास या इनके अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं भारत संदर्भ में और विश्व संदर्भ में। देखते हैं अपने मानव गोल में लेसन नंबर 6 विश्व मानव अधिवास के बारे में महत्वपूर्ण लेसनों का अध्ययन अपन ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत कर रहे हैं और जो सामान्य अध्ययन उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले जो सिलेबस के में अधिक नंबर के हैं या जो अधिक महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन अपन कर रहे हैं। देखेगा विश्व मानव अधिवास, सबसे पहले मानव अधिवास होता क्या है, कहीं किसे, वह स्थान जो स्थायी रूप से बसा हो। मानव अधिवास की परिभाषा क्या है, वह स्थान जो स्थायी रूप से बसा हो वह मानव अधिवास है, अर्थात भूमि का वह भाग जो मानव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है उसे अधिवास या बस्ती कहा जाता है। दोनों परिभाषाएं सही है, दोनों परिभाषा याद कर लो। पहली परिभाषा, वह स्थान जो स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव अधिवास या मानव बस्ती कहा जाता है। परिभाषा दूसरी, वह स्थान जो मानव के उद्देश्य से, यानी भूमि का वह भाग जो मानव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया हो, भूमि का वह भाग जो मानव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, अधिवास। मानव अधिवास या मानव बस्ती एक ही बात है। देखिए मुख्यतः मानव अधिवास या मानव बस्ती की अपन बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर मानव अधिवास या मानव बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी अधिवास होता है एक अस्थायी अधिवास होता है। दोनों नाम से स्पष्ट है, भूमि का वह भाग या वह स्थान जहां पर मानव का निवसन स्थायी रूप से हो, मानव समुदाय पक्के मकानों का निर्माण करके जहां पर निवास करता हो, स्थायी रूप से जहां पर बसावट हो गई हो, स्थायी रूप से वह जहां पर जनसंख्या निवास कर रही हो वह स्थायी अधिवास। एक अस्थायी अधिवास होता है, मुख्यतः अपन यहां पर एक शब्द यूज कर सकते हैं कि ये खानाबदोश जनजातियां होती हैं, गुमक्कड़ जनजाति होती हैं। ये लोग अपने निवसन के लिए क्या करते हैं, एक तंबू बना करके, एक अस्थायी आवास बना करके 12 महीने 6 महीने 2 महीने या 15 दिन उस क्षेत्र में निवास करते हैं और फिर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। हालांकि दोनों भाग मानव के निवसन के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन एक भाग जो स्थायी रूप से जहां पर मानव ने अपना पक्का मकान बना लिया है, अर्थात जहां पर मानव पूर्ण रूप से हमेशा के लिए निवास करने लगा है, और एक अस्थायी तंबू वगैरह आदि में निवास करना, इस प्रकार के दो प्रकार की बस्तियां होती हैं, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास के आधार पर उत्पत्ति के आधार। कोई दिक्कत? अब देखिए मुख्यतः मानव अधिवास के अंतर्गत मानव अधिवास दो वर्ग होते हैं, एक होता है ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती और एक होता है नगरीय अधिवास या नगरीय बस्ती। कहें किसे, देखते हैं ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती के बारे में। गांव क्या होता है, गांव की परिभाषा क्या है, गांव किसे कहें। देखिए गांव की परिभाषा क्या है, वह क्षेत्र वह स्थान जहां की अधिकतम जनसंख्या प्राथमिक या कृषिगत कार्य में संलग्न है, वो स्थान वह क्षेत्र गांव है। किसे कहेंगे कि जहां की अधिकतम जो जनसंख्या है, कार्यशील जो जनसंख्या है, वो कृषिगत कार्यकलापों में पशुपालन कर रहा है, कोई कृषि कार्य कर रहा है, यानी प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, वो गांव है। ध्यान में रहेगा, आते हैं बिंदु पर। तो दो प्रकार के अधिवास बताए मैंने, एक तो ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती और एक नगरीय बस्ती या नगरीय अधिवास। किसे कहें, ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती। ध्यान दीजिएगा, वह क्षेत्र या वह अधिवास जहां पर, देखो जहां पर निवास करने वाली जनसंख्या जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग यदि प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है तो वो स्थान ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती कहलाएगा।
या परिभाषा लिखोगे, क्या परिभाषा होगी ग्रामीण निवास की? वह निवास, वह बस्ती या वह स्थान जहां पर निवास करने वाली जनसंख्या, यानी जो कुल जन, जो कार्यशील जनसंख्या है, उस कार्यशील जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत संलग्न है, तो वो अधिवास वो क्षेत्र कहलाएगा ग्रामीण अधिवास। कोई दिक्कत? यानी जहां पर जनसंख्या प्राथमिक कार्य करती हो। नगरीय बस्ती या नगरीय अधिवास क्या? कि नगरीय अधिवासों के अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित है जहां पर निवास करने वाली अधिकतम जो जनसंख्या है, अधिकतम जो कार्यशील जनसंख्या है, वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। अब आपको यहाँ पर प्राथमिक और गैर प्राथमिक कार्यों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक कार्य आपके हो चुके कृषिगत क्रियाकलाप, गैर प्राथमिक द्वितीयक से लेकर के पंचम व्यवसाय तक जो कार्य आते हैं उनको कहा जाता है गैर प्राथमिक। तो कोई दिक्कत? जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग प्राथमिक कार्य में संलग्न हो ग्रामीण अधिवास, और जहां की जनसंख्या का अधिकतम भाग गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हो वो नगरीय अधिवास। कोई दिक्कत? सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे ग्रामीण अधिवास का। ग्रामीण अधिवास होता क्या है, परिभाषा स्पष्ट हो चुकी कि जहां पर निवास करने वाली जो जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है, उसका भाग अधिकतम भाग प्राथमिक कार्य में संलग्न हो। देखिए ग्रामीण अधिवासों में बनाए गए मकान, मकानों की संख्या, वहां की बसावट, वहां का प्रतिरूप, मकानों के मध्य की दूरी, इन सब के आधार पर जो ग्रामीण अधिवास हैं, उन ग्रामीण अधिवासों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? चार प्रकारों। यानी ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के? चार प्रकार के। किस आधार पर? मकानों की संख्या, बसाव, प्रतिरूप, मकानों के मध्य की दूरी, इन सब के आधार पर ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। चार प्रकार कौन कौन से? नंबर एक सघन या गुच्छित अधिवास, नंबर दो प्रकीर्ण या बिखरे हुए या एकाकी अधिवास, नंबर तीन मिश्रित अधिवास, और नंबर चार पल्ली अधिवास। सघन अधिवास क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक निवास कर रही है, सामान्य परिचय देखेंगे, बाकी इनका विस्तार से अध्ययन अपन अगले वीडियो में देखेंगे, कल वाले वीडियो में देखेंगे अपन। सघन अधिवास जहां पर जनसंख्या अधिक निवास कर रही है, मकान पास पास है, पंक्तिबद्ध है, मकानों के द्वार एक ही दिशा में खुलते हैं, मकानों की संख्या अधिक है, ये सारी बातें हैं सघन अधिवास में। प्रकीर्ण अधिवास के अंतर्गत क्षेत्रफल अधिक होता है, मकानों की संख्या कम होती है, मकानों के मध्य की दूरी अधिक होती है, ऐसी बहुत सारी बातें। उदाहरण के लिए अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अपन देखते हैं कि लोग खेतों के अंतर्गत मकान बना करके निवास करते हैं, एक खेत में एक मकान है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो क्षेत्रफल अधिक हो गया, मकानों की संख्या हो गई कम, कैसा अधिवास हो गया? एक होता है मिश्रित अधिवास, दोनों का सम्मिश्रण, न क्षेत्रफल अधिक न कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या, न अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या, यानी दोनों की मिश्रित अवस्था, यानी सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के मध्य की अवस्था, वो कहलाएगी मिश्रित अधिवास। और पल्ली अधिवासों के अंतर्गत मुख्यतः जो मकानों की संख्या होती है वो कम होती है, अल्प होती है। एकाकी अधिवास भी अपन नहीं कह सकते, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि एक पुराना अधिवास अपन कह सकते हैं, प्राचीन कालीन पुराने समय के अंतर्गत जो अधिवास होते थे वैसे। कुल मिलाकर इनके बारे में पढ़ें, जो चर्चा है वो कल से देखेंगे। ये सारी बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, होमवर्क के रूप में आपको मानव अधिवास की दोनों परिभाषाएं, मानव अधिवास उत्पत्ति के आधार पर दोनों प्रकार, दोनों प्रकारों की परिभाषाएं, मानव अधिवासों का वर्गीकरण जिसमें दोनों वर्ग आपको लिखने हैं ग्रामीण और नगरीय, दोनों की परिभाषा, ग्रामीण अधिवास क्या होता है, नगरीय अधिवास क्या होता है, गांव किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवास के प्रकार किस आधार पर विभाजन किया गया है वो आधार, और ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार, ये चारों प्रकार, ये आपको रिटर्न वर्क में भी करना है और याद भी करना है। ऑनलाइन जब आपका टेस्ट होगा उस टेस्ट के अंतर्गत जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उन सारे वीडियो को मिला करके एक अच्छा पेपर बनाया जाएगा, जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो, आप कितना क्या इसमें कर पाते हैं जो देखते हैं आगे। ठीक है, शेष अपन कल देखें।